हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है संडे और हमने सोचा है लेट्स मेक पुलाव। तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रहा हूँ, तो देखते हैं आज क्या होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, सबसे पहले हम छील रहे हैं प्याज, तो चलिए प्याज छीलते हैं। सो गाइस, प्याज हमारी छिल चुकी है, अब इनको काटेंगे। सो गाइस, फाइनली हमारी प्याज धुल चुकी है अच्छे से, अब इनको काट देंगे। तो चलिए काट देते हैं। सो गाइस, अभी मैं खा रहा हूँ पर्क। चलिए वापस काम पे लगते हैं। सो गाइस, ये मिर्ची को हमने धो लिया है अच्छे से, अब इनको काटेंगे। सो गाइस, यहाँ पे तेल डाल दिया है, गरम मसाला और प्याज डाल दिया है। सो गाइस, वॉश करके हमने इन चावलों को भिगो के रख दिया है, तो अब ये भीग रहे हैं अच्छे से थोड़ी देर। 1.5 किलो चावल है गाइस ये, और ये मम्मी यहाँ पे हरी मिर्ची काट रही है, और यहाँ पे हमारा जो है फ्राइज वो फ्राई हो रही है प्याज, और यखनी यहाँ पे तैयार हो रही है कुकर के अंदर। सो गाइस, यखनी प्रिपेयर हो चुकी है, अब इसको हम ऑफ कर देते हैं, अब इसको हम खोलेंगे थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी गैस बंद करा हुआ है हमने, इसके अंदर हमने हरी मिर्चियों को डाल दिया है, थोड़ा सा मिक्स कर देते। तो गाइस, अभी इसको हरी मिर्ची को भी हम फ्राई कर रहे हैं, हमने डाल दी है, तो हमने बहुत सारी ली थी, इसमें थोड़ी सी हमने बचा दी है, ये थोड़ी ली है। तो गाइस, ये अदरक का पेस्ट है, तो ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर। तो टुडे वी आर नॉट शेयरिंग द रेसिपी, तो आपको अभी मेजरमेंट नहीं मिलेगा, बस हम ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कैसा क्या हो रहा है। और इसको मिक्स करेंगे। नाउ वी आर पुटिंग लहसुन का पेस्ट इनटू दिस। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाल रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, अब इसको अच्छे से पकने दो। सो गाइस, ढक्कन बंद कर दिया है, मसाला इसमें भूनने को रख दिया है, हमने मसाला भून रहा है, थोड़ी सी हमने स्पेस छोड़ी है, धुआं निकल रहा है एज यू कैन सी यहाँ से। सो गाइस, ये व्लॉग बन रहा है संडे को, लेकिन आपको मिलेगा वेनसडे को, बिकॉज उसी दिन मैं वीडियो डालता हूँ। तो या आप देखते रहिए पूरा व्लॉग, अभी रेसिपी नहीं बता रहे, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको ज़रूर बताएंगे हम क्या क्या डाल रहे हैं इसके अंदर। और हमेशा हमारे पुलाव जब भी बनता है तो ऐसे मतलब बड़े तपेले के अंदर ही बनाते हैं अक्सर, ताकि पूरी फैमिली मिलके एक साथ एक जगह पे खाती है, तो बहुत सारा बनता है। तो यह जो हो रहा है वो आप देखिए इस ब्लॉग के अंदर। तो गाइस, इसके अंदर हमने दही डाल दिया है मसालों को भून के, तब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो गाइस, यखनी हमारी पक चुकी है, एंड एज यू कैन सी गल भी चुकी है, यू कैन सी। तो चलिए अब इसको डालते हैं पुलाव के अंदर। पहले सारा गोश्त डलेगा इसके अंदर। सो गाइस, ऐसे तो यखनी का पानी भी डलता है, लेकिन हम इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि जो चर्बी का तेल होता है वो सारा पानी में चला गया, इसलिए हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ अभी गोश्त डाल रहे हैं।
सो गाइस अब इसको हम गोश्त डाल दिया और इसको भूनेंगे। इसको भून लेते हैं अच्छे से पहले। तो गाइस ढक्कन ढक के अब इसको हम भून लेंगे अच्छे से। सो गाइस एज यू कैन सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अभी झिमझिम रिमझिम हो रही है एंड बारिश का मौसम है तो बारिश तो होनी है, तो या बारिश हो रही है अभी। सो गाइस हमने 1.5 किलो चावल लिए थे, उसका डबल हमने पानी डाला है और फिर हमने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको पकाएंगे पुलाव को, तो मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे से एंड अब इसको ढक के पकाने वाले हैं। सो गाइस अभी जितने पुलाव बन रहा है हम कुछ सामान लेके आ रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी हमारा पुलाव यहाँ पे रेडी हो चुका है और ये है सलाद और यहाँ पे हमने दही के अंदर काला नमक मिक्स करा है, इसको हम मिला के खाने वाले हैं। तो चलिए अब आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। सो गाइस चलिए टेस्ट करते हैं। तो गाइस बहुत टेस्टी बना है पुलाव, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे बना के। यही थी हमारा आज का ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।